नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश कुमार और ऑनलाइन भास्कर टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी बहुत घनी घनी राम राम। मैं वीना शर्मा, महासचिव आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधी CITU। आज हमारी राज्य कमेटी की बैठक हुई है और राज्य कमेटी की बैठक में जो मोदी सरकार की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। सरकार ने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के प्रति एक निजीकरण की नीति अपनाई है उसके विरोध में हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। हरियाणा की तर्ज पर मानदेय की मांग हम करते हैं। 65 वर्ष रिटायरमेंट की आयु जो हमारी हो उसकी डिमांड भी आज की बैठक में की गई है। साथ ही जो प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी वर्कर्स की को भर्ती प्रक्रिया के अंदर लिया जाए, साथ ही पेंशन ग्रेजुटी की मांगों आदि को लेकर हमारी राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है। और अगर इन सारी मांगों को सरकार हमारी नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम एक आंदोलनकारी नीति अपनाएंगे और इसी के चलते 10 जुलाई को मांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जिसको कि हम ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। और सरकार की नीतियों का विरोध हम काले पिल्ले काले दुपट्टे पहनकर करेंगे। साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की जो ग्रेजुटी की मांग है उसको लेकर हम जुलाई और अगस्त में एक अभियान के रूप में इसको चलाएंगे और सरकार से ग्रेजुटी के मांग को पूरा करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। अगर सरकार इन मांग मुद्दों को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में हमारी यूनियन अपने आंदोलन को और तेज करेगी और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करेगी। भाई, अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।